अपनी शुरुआत कर रही हूँ रेड टी के साथ और ओंकार रंधावा जी यहाँ पे बैठ चुके मेरे सामने और मुझे इतना पता है कि ओंकार की अभी डिमांड क्या आने वाली है तो ले ही आओ साथ साथ ऐसे एक कप तो अभी मैं थोड़ी देर में कॉफी बनाऊंगी बीट क्यू बनाऊंगी क्योंकि वो थोड़ी सी पड़ी है नहीं वो मैंने पी ली थी अब मैं प्रॉपर एकदम बड़ा जग भर के बीट करूँ और हमने इतनी सॉरी कॉफी बीट करते हैं और हमें लगता है हफ्ता चलेगा और हम तीन दिन में खत्म कर दे तीन दिन भी बहुत ज्यादा है ना हमने तो दीदी को भी एडिक्ट कर दिया और इधर जे ने मम्मी को भगा के रखा हो कभी इधर कभी उधर मम्मा ने ना अपने आप को प्रॉमिस किया है दोनों बच्चे जो है ना वो कर देना है मम्मा ने टॉयलेट ट्रेन मतलब वो डाइपर डुइपर वाला झंझट निकाल देना है तो कर रहे हैं मम्मा हो जाएगा जाने से पहले सुपोर्टी ट्रेन ओंकार मैंने पानी चीनी और कॉफी डाल दी तुम बस इसे बीट कर दो अभी तो तू कह रही थी तू बीट करेगी अरे कर दो ना प्लीज देखो आधा क्रेडिट तुम ले रहा की आधा क्रेडिट हम दोनों ने मिलके बनाई है तू पूरा ले ले नहीं मेरे को लेना पूरा पूरा प्लीज कर दो प्लीज सारा काम ही है ये गुड मॉर्निंग सारे बच्चे ऐसे स्पॉन्ज की तरह लेके आती है जैसे हमला करने आ गई है मैम बैठो ओह माय गॉड गुड मॉर्निंग ध्यान से देखिए इस चेहरे को ध्यान से मैंने ओंकार को बीट करने को दी थी ये ओंकार ने पापा को पकड़ा दी हुई है पापा कहते हैं आई लव टू डू दिस और पापा की परौंठी और चाय ठंडी हो जानी है वहाँ पे पापा आप ना करो मैं कर दूंगा ये देख पापा ने मुझसे खुद ये इंसान कैमरे के सामने पलट जाता है ना पलट जाता है कैमरे के सामने पलट गया पर कॉफी बीट ये लो जी गर्मा गर्म कॉफी थैंक यू सो मच ओह थैंक यू ये मेरे दिन की बेस्ट चीज है हाँ बेस्ट मुक्ति कॉफी बाय मुक्ति ये कॉफी बाय मुक्ति तो भाई साहब तैयार होके ओंकार और मैं पहुंच चुके हैं मार्केट क्योंकि अभी हमें थोड़ा फूडी वी के लिए सामान खरीदना है और मुझे अपनी मुक्ति गौतम चैनल के लिए सामान खरीदना है और मैंने ना एक चीज बहुत नोटिस की है लोग ना मेरी वो वाली वीडियोस बहुत पसंद कर रहे हैं जिसमें कि मैं थोड़ा कंपैरिजन कर रही हूँ कि कौन सी चीज ज्यादा हेल्दी है मैगी ज्यादा वीडियो पतंजलि वाले प्रोडक्ट काफी लोग पूछते हैं कि पतंजलि के प्रोडक्ट कितने हेल्दी और मैं सोचूं कि इस टाइप की और वीडियोस बनाऊं क्योंकि इन छोटी छोटी वीडियोस से ना लोगों को काफी हेल्प मिलती है मेरे जैसे जो लोग होते हैं वो पीछे पढ़ते नहीं है ऐसे लोग होते हैं वो पहुंचते हूँ कारण धावा जी लग चुके हैं अपनी फूडी वी की रिसर्च में और मैं इधर वीडियो बना रही थी और मुझे आवाज आई बाहर से पता चल चुका है कि बाहर आए हैं आदित्य गौतम हाय छोटी मुंह वाली लड़की चला जा 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 मजाक कर रही थी मैं इसको काम वाली बाई बोलने लगी थी अभी मैं काम वाली बाई लग रही हूं ओ बाल अच्छे लग रहे हैं अच्छा तो आंचल शर्मा जी आते कमरे में घुस चुके अपनी वीडियो बनाने और इधर ओंकार रंधावा जी को लगे बहुत ही जोर से भूख ओंकार आज बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें बनी हुई है दाल मखनी बनी है दही भल्ला बना है रोटी है चावल है मिक्स वेज है मम्मी ने हरी चटनी भी डाल दी और इमली वाली माय फेवरेट चटनियां ये लो ओंकार थैंक यू तो थोड़ी थोड़ी वीडियोस हमारी बन चुकी हैं और अब टाइम आ चुका है घर वापस जाने का और आज हमने ये प्रोग्राम बनाया है आदित्य गौतम जी गए हैं श्वेता के साथ थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करने और आज का प्रोग्राम ये है नहीं गए हाँ, शादी कहाँ पे करनी है वो वेन्यू देखने गए अच्छा अच्छा हर बार शॉपिंग नहीं कर रहे होते शादी में सिर्फ शॉपिंग के काम नहीं होते हैं शादी कहाँ पे हो रही है वहाँ पे क्या डेकोरेशन होनी है वो सब कुछ फाइनल और आज जाके हमने ये सोचा है कि हम कर रहे हैं एक गेट टुगेदर मतलब बच्चे बच्चे ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं गगनदी के साथ क्योंकि गगनदी ने भी कुछ टाइम के बाद चले जाना है और इधर हमारी आंचल शर्मा का भी प्रोग्राम बना हुआ घर जाने का इसको गेट आउट कर रहे हैं और आज पता नहीं ओंकार के दिमाग में क्या ऐसा आया जो उसने मेरे को गाड़ी की चाबी पकड़ाई और बोला मुक्ति प्लीज ड्राइव कर अच्छा तू बैठ जा आगे मुक्ति के साथ बैठ अच्छा ओह थैंक यू सो मच पक्का काम है इस इंसान को पक्का काम है अभी थार होती ना भैया नहीं आपको चलाने देते नहीं मेरे को आगे बैठ ये बात की आंचल तूने ये इतना लालची इंसान है न मन नहीं है यार सच्ची बताओ मुझे खुद ड्राइव करना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आई हेट ड्राइविंग लेट्स गो गाइस झंडा रहा है तेरा सही बात है
तो फाइनली दीदी ने बड़ी मुश्किल से जेन को बिठाया है कि नहीं मम्मा को अकेला छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, मॉमी इज डे आउट, मुझे नहीं चाहिए अभी बच्चे मेरे साथ। एक पॉइंट के लिए सिर्फ दिल पिघलता है कि चलो साथ ले जाओ, फिर होता है कि मतलब पीछे से भागना है तो वो तो मैं यहाँ भी कर रही हूँ, इससे अच्छा तो मैं नहीं, जरूरी है। तो जिस जगह पे हम जाने का सोचे थे तो हमने सोचा कि उससे पहले हम कुछ खा ले। मतलब कई लोग शराबी जो होते हैं प्री ड्रिंकिंग करते हैं, कई लोग मतलब जाने से पहले कहीं से प्री फूडिंग। तो अभी हम खाने आए हैं जी अंकल आंटी के फेमस चिकन मोमोज, मतलब रेडी के ऊपर ऐसा सेटअप ना शायद ही देखने को मिलता है। चिकन, अरे क्या बात है, फास्ट डिलीवरी। ये लो जी गर्मा गर्म मोमोज। थैंक यू जी, धन्यवाद, खा के रिव्यू दो। ओ हरी चटनी भी है। तो हमने पहले डिसाइड किया था कि हम कहीं जाके बैठेंगे, लेकिन हम कहीं बैठे नहीं है, अब हम खड़े हो गए। दीदी आई है, ठीक है, हम लोग खड़े हैं। मैं इस झंडे के बीच में नहीं आना चाहती। तो अभी हम लोग खड़े हैं, अभी हमने सोचा कि थोड़ा पिज्जा खा लेते हैं क्योंकि हमें कहीं की वाइब अच्छी नहीं लगी। ओंकार पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, जो देखिए ध्यान से, भैया देखो पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं हमारे लिए, और हम बस गाड़ी में बैठ के चिल करेंगे, गाने सुनेंगे। हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हम ये नहीं डिसाइड कर रहे हैं कौन सा पिज्जा, वो भैया के सर छोड़ दिया कि हमारे लिए पिज्जा ऑर्डर करो। दिस इज पिज्जा पार्टी इन कार। लड़कियों ने सोचा क्या था, कहीं पे जाएंगे बैठेंगे खाएंगे डांस करेंगे, पर मजे इनको पर मजा इसे भी आ रहे, सही बात है। क्या हो गया, मेरी गाड़ी है इतनी ज्यादा बढ़िया। गेट आउट नहीं, आप उतरोगी तभी गेट आउट हो पाओगी, टिक्का मार के उतर जाओ। आंचल उतरने से पहले दो तीन चीजें बेचो, इसको बेचो। नेचुरल्स ओनली ऑन ओम धातु। ओम धातु, हे भगवान, चल आ जा, इससे पहले ये कुछ और बेचे और आप गुमराह हो, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। सावधान रहे, सतर्क रहे। चलो जी बाहर चलो, बाय। बॉटल ड्रिंक कर लिया हमने, बाय बाय भैया। कनाडा से ये आई है, चल ठीक है। एक्सक्यूज मी, कनाडा में तो एनी व्हाट टू से कंजेशन। चल ठीक है, बाय, टाटा। नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग गाइस। सो रात को जो हमने खाया पिया गंदमन, अब हम उसको पचाने जा रहे हैं, और इसमें योगदान सिर्फ गगन दिया और मैंने दिया है। ओंकार भी सो रहा है, पचा रहा है सो के। तो फटाफट चलते हैं, चलो करते हैं अपना वर्कआउट। जाएंगे स्टूडियो और बनाएंगे वीडियोस। एंड ओंकार, आज मेरे को एक गाना दिमाग में याद आ रहा है, जिम के नाम से। क्या जिम में तो शौकीन है फिर वेट मारते है। कौन सा ये गाना, तुम्हें गाना नहीं, ये मतलब एक लाइन मार के गाना कैसे याद आ जाएगा। जिम में तो शौकीन है फिर वेट मारते, कोई हुक लाइन तो बता दे गाने की। ये हुक लाइन है, दिस इज हुक लाइन फॉर मी। मेरे जैसे और किन लोग हैं जिनको ये कुछ समझ नहीं आएगी कौन सा गाना है। जिम दे शकीन हैवी वेट मार दे, एक तो इसने उस कॉम्पोजिशन में नहीं गाया जो असली है, और ऊपर से फिर अभी रुका, मैं तुम्हें लगा के दिखाती हूँ। ये वाला गाना, जिम दे शकीन हैवी वेट मार दे, वेट मार दे। चलो ठीक है। हेलो हेलो मम्मा, जिम जाके आयो कार ज्यादा बना। अभी जिम की बात कर रहे थे, मम्मी भी जिम जाके आए, मम्मी पापा जिम तो शकीन हैवी वेट मार। आज ही शुरू करा भाई, अभी मत शोर मचाओ। ओह ढिंडोरा मत पीटो अभी। मम्मी बोले कि पहले पतला होने दे, फिर लोगों को बताएंगे हम जिम जाते थे, है ना। फिर तो पहचान नहीं होगी, फिर तो पहचान भी नहीं आएंगे मम्मी। ड्रेस लेने के लिए ये बस किसी ने ड्रेस ली बोलती मैं पहले पिचक जाऊँ। ये तो दुख पापा को ही पता है, कितने कपड़े दिला चुके हैं ना पापा। ये तो बोलने की बात है, मम्मी की ड्रेस नहीं दिलाई, सारी शॉपिंग हो चुकी है मम्मी की। जब थोड़ी सा एक दो इंच कम हो जाएगा भाई और ले दो, ये तो खराब होगी सारी। मेरी सुंदूर, मेरी सुंदूर।
ये मेरे को लग रहा हूँ कार तुमसे मिलने आ रहा है। नमस्ते भैया, बस बढ़िया। ये देखो ये देखो चल 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 ये देखो चलो 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 ऊपर चलो। ओए मेरी नानू दीदी को भी प्यार कर लिया कर पागल कुत्ते। हाय नहीं रब्बा ये मुझे प्यार नहीं करता। हेलो हेलो हाउ डू यू डू व्हाई डू यू डू व्हेयर डू यू डू। घर में तार निकल जाएगी उसकी। अरे नहीं निकलती, करवा ऐसा लग रहा है जैसे कुत्ता को मारी हूँ। मतलब जब सर्दियाँ ना खत्म होने को आ गई हुई है तब हमें याद आ रहा है कि हमें हीटर की जरूरत है स्टूडियो के अंदर। लगा दूँ आज? अभी कुछ दिन ही लगेगा। अच्छा लाइट की वीडियो बनानी है पर लाइट चली गई अभी। अरे यार जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। आज हमारे साथ कुछ इस प्रकार का हो रहा है कि आते स्टूडियो में लाइट नहीं थी, उसके बाद लाइट आई और बाद में फिर से लाइट चली गई, जिसकी वजह से हमारा जो शूट है वो अध बचकाले मतलब बीच बिचाले रह चुका है। और अभी ओंकार, अरे भाई साहब ये कितने बड़े बड़े हो गए फूल, वाओ। तो अभी अधिकतर ओंकार लगे हुए हैं मूलियां तोड़ने। मूलियां निकाल रहे हो अभी? ये पालक भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, पालक भी काटनी है। मूलियां जो है सैलेड के लिए हमने कर ली है। मूलियां निकाली, वाओ। तो ये मूलियों के साथ साथ ना हमने गाजर की भी खेती करी हुई है और गाजर का भी टाइम आया नहीं है, ये वक्त से पहले ही बाहर आ चुकी हुई है, वापस भी नहीं जा रही है अंदर। गाइज वैसे तो हमने जाना था घर की तरफ, परंतु हमारे घर के रास्ते में पड़ते इलांटे मॉल। अच्छा, तो हमने सोचा कि इलांटे मॉल में जाके हम कॉफी विद करण करेंगे। हमारे घर पे ना घर के रास्ते में इलांटे मॉल हर बार पड़ता है। हाँ। आज हम इसलिए रुके क्योंकि हम फ्री थोड़े से जल्दी हो गए। हाँ। और कॉफी पीने का सबका मन था। और मुक्ति की बातों का कोई लॉजिक नहीं होता है, कॉफी विद करण कैसे हो रहा है? ना हमें से कोई करण है ना कोई प्रोड्यूसर है। किरण कर लो। किरण कौन है? मैं अपने को किरण। हाय रब्बा यार लॉजिक की कभी इस लड़की में इतनी ज्यादा। अब कॉफी तू ही पिलाएगी, अब तो तेरे पे पनिशमेंट है, तू पिलाएगी। अभी शो का नाम है कॉफी विद नो लॉजिक। यार इन दोनों ने ना मेरे को परेशान करके रखा हुआ एक जगह से दूसरी जगह। मतलब तुम्हें एक बार में तुमसे पूरा काम नहीं होता है? नहीं होता है। नहीं होता है क्या? हम वहाँ पे ओंकार को कंजेस्टेड फील हो रहा था। ओह माय गॉड, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। अच्छा ओके ओके ओके, वो हमने एक्सप्लोर कर लिया, एक नई जगह एक्सप्लोर करने आए हैं। यहाँ पे मुझे लगता है शायद ओपन सीटिंग होगी तो यहाँ बैठते हैं। पता नहीं कौन सी सुनसान जगह पे मेरे को लेके आ गए हुए हैं, बंज बंज करके जगह का नाम है। ये ना सारी सजेशन ना आंचल शर्मा देती है। भैया इस जगह पे जाके आना, बहुत ही अच्छी जगह है। अब यहाँ पे आ चुके हैं। आंचल ने मुझे बोला था कि ये जगह मैं गई थी पर मैं बैठी नहीं थी क्योंकि ये थोड़ी रोमांटिक सी जगह है, यहाँ पे शौर्य अच्छा, के साथ आना। बैठी नहीं थी? हाँ, मतलब उसको थोड़ी ज्यादा ही वो रोमांटिक वाइब लगी। ओह माय गॉड। और जैसे आपको पता है रोमांस और आंचल का बहुत दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ओंकार क्या बात, ऑटो पसंद आ गया तुम्हें ये? ओह माय गॉड, ये जो जगह है क्रिएटिव लोगों के लिए है। अच्छा अच्छा, ले कार्बूजियर का ऑफिस। ओह, काफियों को नहीं पता होगा ले कार्बूजियर कौन है, तो वो जी महान आर्किटेक्ट थे जिन्होंने चंडीगढ़ का आर्किटेक्चर किया। ली कार्बूजियर बहुत ही फेमस वो थे आर्किटेक्ट जिन्होंने चंडीगढ़ भी डिजाइन किया था, और भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें उन्होंने डिजाइन करी है। अब तो नहीं रहे ऑफ कोर्स, काफी लोग उनका म्यूजियम है। बात पे यकीन नहीं आ रहा है, पढ़ सकते हो ली कार्बूजियर सेंटर। अदित्य तो अंदर आया कभी यहाँ पे? मैं भी नहीं आई कभी। वाओ बहुत ज्ञान बांट दिया तुमने यहाँ आते ही। बहुत बहुत ज्यादा यार, मुझे इसकी एंट्री बहुत क्यूट लगी है ना। ओंकार इन्होंने ना यहाँ पे ज्यादा हॉरर वाली वाइब नहीं दी हुई, उन्होंने शीशे रखे हुए हैं पेड़ के नीचे, ऐसा लग रहा है कोई ऐसे पहले के टाइम पे ना जादू टोने बहुत ज्यादा जादू टोने वाली वाइब आ रही है। मैं ना इस रेस्टोरेंट में ये सोच के आया था कि जो सारा फर्नीचर होएगा वो होएगा पुराने टाइम का और बड़ी पुरानी सी वाइब आएगी, बट ऐसा नहीं है। और सबसे ज्यादा बुरी बात ये है कि हमें वॉशरूम आया हुआ है और वॉशरूम बहुत ज्यादा दूर है जहाँ से हम चल के आए, वापस चल के जा रहे हैं। चलो चलो चलो। और यहाँ पे मुक्ति गौतम जी फोटो सेशन कराने के लिए हो चुकी है। मुझे पता क्या लगता है मुक्ति, जगह अच्छी है, पहले टॉयलेट का प्रेशर पड़ा हुआ तो हम अच्छे से देख नहीं पाए, वाइब अच्छी है, अच्छी वाइब है। जैसे कुछ लोगों को थोड़ा शोर और वो सब ज्यादा अच्छा लगता है, आसपास ऐसे गाने बज रहे, हमारे लिए बढ़िया शांत। आ चुका है हमारा सैलेड जो कि हमने ऑर्डर किया। ओंकार तुम देख रहे हो ये आईज है ये मुंह है? ओहो मैं आंखों की डेले खा लूंगा, 200 डेला में आंख निकाल। मम्मी को बता दूं कि तू नॉन वेज बन चुका। अच्छा सैलेड, अच्छा तुमने ऊपर का तो फ्रूट तो खाया, अच्छा ही लगेगा। हां थैंक यू। इस लड़के ने सैलेड मंगाया, मतलब यार आदित्य इतना सैलेड तेरे सामने
में पड़ा हुआ है, खीरे में उन्होंने पानी में खीरे डुबोए हुए, वही खा लेता। मुझे क्या पता था ये इस पानी में भी सब्जियां डाल के दे रहे हैं। वो कॉम्प्लीमेंट्री सैलेड दे रहे थे, 500 रुपए का सैलेड मंगाया इसने। पागल भाई, सैलेड अच्छा था, मुझे अच्छा लगा पर्सनली। एंड गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम तीनों के फोन में बैटरी बहुत ज्यादा कम है, हमारा फोन कभी भी ऑफ हो सकता है। ओंकार का हो चुका है, मेरा हो जाए इससे पहले। इसी बात पे मैं कर रही हूँ।